सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंदकुंद भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की आप लोग कहीं से आओ किंतु प्रवास के लिए जैसे आप लोग निकलते हैं उसी प्रकार मनुष्यादिक गतियों में समय मिलता है। बाकी मुख्य रूप से यदि समय है वह एकेंद्रीय अवस्था में निगोद अवस्था में है, जहाँ पर अनंत काल व्यतीत होने के उपरांत भी वहीं के वहीं रहना होता है और त्रस में आ जाते हैं। जैसे आप लोग प्रवास के लिए आए ना, यात्रा के लिए आए, जीवन पर्यंत यात्रा थोड़ी की जाती, पहले दुकान पर संभाला जाता है फिर भगवान के पास आए जाते, ऐसा होता है। अब कैसे निकल कर के आ गए आप, तो कर्म व्यवस्था के अनुसार निगोद में भी ऐसे भाव अपने अवश्य किए जो आगम से सिद्ध है। अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्यस्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह यानी मूर्छा की मात्रा जब कम होती है तब कहीं जाकर के उस समय मनुष्य आयु का बंद होता है। मनुष्य आयु के बंद के लिए आपने अल्प परिग्रह यानी मूर्छा और आरंभ किया, भाव किए, परिणाम स्वरूप यहाँ पर आए। किंतु यदि यहाँ पर उस दो शेष परिग्रह था उसको भी छोड़ने का यदि इरादा करते हैं तो मुक्ति का भाजन बन जाते हैं। अब आप लोगों को सोचना है, नहीं है तो ये प्रवास के दिन कुछ जन्म, फिर इसके उपरांत आपको वहीं पर जाना पड़ेगा पुनः निगोद में। इस प्रकार जैसे ये बाढ़ में है ना चना भूनते हैं, भाड़ भाड़ भूनना, हाँ तो उसमें चना जो भूनता रहता है सेकना नहीं जाता, उसको भूंजना बोलते हैं, रेत रहती उसमें हाँ और नीचे से अग्नि लगी रहती, तो उस जिस समय चना उसमें से भूंजता रहता है और चना जब फूल जाता तो चटक जाता है, नहीं तो उछड़ जाता है, तो प्राय करके उसके ऊपर वह अपने तस्त्रिक कर देता है तो वहीं के वहीं, फिर भी एकाद उसमें से चना जैसे उछड़ करके आ जाता है, ऐसे आप लोगों की हाल है। हाँ तो इसका उपयोग कर रहा हो तो कर लो, नहीं है तो पुनः वहाँ तो जाना ही है, ऐसा है। कुछ अटेम्प्ट प्रयास पुरुषार्थ करने के लिए आपको मौके दिए गए हैं, नहीं है फॉर्म भरो ले लो, नहीं हुआ नहीं निकला तो जाना तो वहीं पर है, ऐसा है। इसका महत्व केवल ज्ञानी के द्वारा भी बताया नहीं जा सकता, इतना इसका महत्व है। किंतु अज्ञान के कारण विषय और कषायों के कारण संसारी प्राणी इस मनुष्य जीवन को भी विषयों में गमाता है, तो इसका क्या होगा। अल्प आरंभ परिग्रह भाव रखें तो मनुष्य पर्याय मिला,
और बहुत आराम और बहुत परिग्रह रखोगे, मूर्छा रखोगे, नार कश्चायुषः नार के बनेंगे। इसलिए बहुत जोखिम के साथ आपको अपने आप को संभालना है और अन्य व्यक्तियों को भी संभालने के लिए उसी प्रकार का वातावरण तैयार कर देना चाहिए। इस प्रकार यदि वर्तमान में विश्व में अनेक राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में जनसंख्या की बात पूछते हैं तो 4-5 अरब तक पहुंच गई है विश्व के, 7-7 अरब तक हुए, 7 अरब। किंतु उसमें ध्यान रखना 1.25 अरब तक तो भारत ही है, और यही एकमात्र देश शाकाहार और अहिंसा का समर्थक है, बाकी कोई भी नहीं। जिसका अर्थ आप लोग उन देशों में न जा करके भारत में आए, इसका महत्व तो और है। किंतु यहाँ पर संख्या यदि गिनते हैं शाकाहारियों के विश्व में बहुत कम है, बहुत कम है। इसलिए भारत आप लोगों के जो शाकाहार पद्धति अहिंसा की पूजा करने के फलस्वरूप आज तक यह आया है, और आगे के लिए भी अगली पीढ़ी के लिए आपके द्वारा संस्कार यदि यहाँ डाले जाएंगे तो यहाँ पर धर्म का वातावरण से उनका जीवन भी लाभान्वित होगा। ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन बहुत कठिन काम। और आप लोगों को अच्छा वही लगता है ना जिसमें सुलभता होती है, उसमें क्या कठिनाई जितनी है। तो विद्यार्थी सरल प्रश्न कभी भी नहीं चाहता, यद्यपि कठिन प्रश्न कह देता है लेकिन फिर भी हल कर देता है, और प्रतिशत वह बढ़ाता बढ़ाता जाता है। शत प्रतिशत नंबर अंक लेने वाले विद्यार्थी भी रहते हैं, एकाध चने की भांति चटक कर आ जाते हैं। उसके कारण सभी को उस अहिंसा से परिचय प्राप्त हो जाता है, और इस अहिंसा की जो आराधना पूजा करता है, अपना जीवन बनाता है, वह कुछ ही भवों में स्वर्गाधिक जा करके मुक्त अवश्य होता है। इसलिए आप लोग इस ओर अपनी पर्याय की ओर अवश्य ध्यान देंगे। और अभी कहा जा रहा था आप लोगों को ज्ञात नहीं होगा, जो आप वस्त्र पहनते हैं वह एक प्रकार से अहिंसक नहीं रह पा रहे हैं। इनको आप स्वस्थ साफ धुले हुए वस्त्र तो पहनते हैं, किंतु उसमें वस्त्र बनाते समय मांस का संबंध जुड़ करके इसका निर्माण होता है, ये सब प्रसिद्ध है। क्योंकि वह यंत्र के माध्यम से तैयार किया जाता है, किंतु हाथ करघा जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से बनता है, तो इस मांस की कोई आवश्यकता नहीं। माड़ चावल इत्यादि का लगाने से भी ये वस्त्र निर्माण किया जाता होगा, पहले ऐसा ही होता था, और विश्व के लिए इसकी निर्यात करके आपूर्ति की जाती थी। ऐसा प्रसिद्ध भारत राष्ट्र में यंत्र आ गया है और मंत्र गौण हो गया है। इसलिए हम वो पहले जो बनाए गए मंत्र हैं उसी को याद दिलाया, यदि जाप दोगे भारत पुनः विश्वगुरु बन सकता है। अहिंसा परमो धर्म।